सुधार जिले में चल रहे अवैध रेत खनन को रोकने के बजाय कुक्षी नायब तहसीलदार कुणाल आवश्या व पटवारी प्रवीण पाटीदार ने कृषि उपकरण ही जब्त कर लिए, जबकि नियम अनुसार कृषि उपकरण जब्त करने का नियम ही राजस्व में मौजूद नहीं। जब तक कोई FIR ना हो तब तक कलेक्टर बन बैठे नायब तहसीलदार ने एक पिलाऊ और एक सुपड़ी लगे ट्रैक्टर को पकड़कर चौकी निसरपुर पुलिस के संरक्षण में खड़ा कर दिया। तो अपने खेतों में कृषि कार्य करते हुए किसानों के ट्रैक्टर अवैध करार देते हुए गरीब किसानों के कृषि उपकरण सहित ट्रैक्टर को पकड़ना साहब का शौक बन गया। बताया जाता है कि किसान अपने खेत पर जमीन लेबल कर रहे थे, अपनी निजी भूमि की जुताई करते हुए किसानों को जबरन डराया गया, फिर उनको पकड़कर चौकी में लाया गया। इतना ही नहीं, उनको दंड जुर्माना भी लगाने की बात कही गई। बात करते हुए 48 घंटे बीतने के बावजूद किसानों को ना तो ट्रैक्टर वापस किए गए और ना ही उनको संतुष्टि भरा जवाब मिला। गिरती बारिश में किसान होते परेशान, अपनी ही जमीन की जुताई के लिए कौन से कानून के तहत लेनी होगी राजस्व की रजामंदी। तो आपको बता दें, अपनी अफसरी का रौब दिखाते हुए नायब और पटवारी का इन दोनों रौब जमकर चलता हुआ दिखाई दे रहा है। चर्चा तो ये भी है कि पटवारी इन दिनों निसरपुर बैठकर जिले की कमान संभाल रहे हैं। आपको बता दें, इस कार्रवाई से पूरे क्षेत्र में रोष है। किसानों के कृषि यंत्रों को इस प्रकार उठाकर एक तरीके से दादागिरी बताई जा रही है। अब बड़ा सवाल यह है कि आखिर कब तक मजबूर किसान परेशान होता रहेगा। आपको यह भी बता दें, इस मामले में मीडिया के सामने आने से रखा परहेज। पटवारी व नायब ने चुप्पी साधी, तोड़े बट्टे का मामला नहीं जमने से नाराज हुए नायब।